नमस्कार, आप देख रहे हैं टोकन पब्लिक एंड न्यूज़। मैं निकेतन आज कुछ खबरें लेकर के आया हूँ आपके सामने। UGC के कुछ नियम हैं जो बदल चुके हैं। जो भी अब एडमिशन लेना चाह रहे हैं या फिर रिक्रूटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, उनका नियम चेंज हो गया है। एडमिशन के लिए कुछ प्रारूप बदल के आए हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो भी रिक्रूटमेंट होगी उनके लिए अलग नियम तय हो गए हैं। तो वो नियम क्या होंगे हम आपको आगे की न्यूज़ में बताएंगे। अनलॉक वन, जैसा हम सभी जानते हैं, केंद्र सरकार ने अनलॉक वन में हर चीज़ों को खोलने की अनुमति दी थी। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो नहीं खोलने रही, जिनको अनुमति सरकार ने नहीं दी थी। मगर अनलॉक वन में भी बहुत सारे स्टेट्स वैसे हैं जिन्होंने अपने स्टेट में कुछ चीज़ों को अनुमति नहीं दी थी। वो अनुमति आज मिल गई है कुछ स्टेट में। वो स्टेट में क्या क्या अनुमति मिली है, किन चीज़ों को अनुमति मिली, वो आपको हम आगे की न्यूज़ में बताएंगे। आपको हम बताना चाहेंगे, UGC ने में एडमिशन के PhD एडमिशन के लिए कुछ नामांकन के प्रारूप बदले हैं। वो प्रारूप कुछ इस तरह से हैं, अब आपको नए नए नियमों का पालन करना पड़ेगा। जो भी इच्छुक हैं अपने PhD को आगे प्रोसीड करने के लिए या एडमिशन लेना चाहते हैं PhD में, उनको कुछ नए नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। वो नियम इस प्रकार से हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन PhD को इनरोल कराने के लिए काफ़ी सारे नियमों का बदलाव समय के अनुसार से करते चली आ रही है। पहले ये बदलाव यूनिवर्सिटी के स्तर तक होता था, जो स्टेट लेवल की होती, स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ अपने स्तर से चेंज करती थी। लेकिन अब ये बदलाव सेंट्रल से होने जा रहा है। ये बदलाव होते ही बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। एडमिशन कराना PhD में काफ़ी थोड़ा मुश्किल भरा होगा, लेकिन कैंडिडेट्स अगर चाहें तो अपने यूनिवर्सिटी के नियमों के हिसाब से उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए या दाखिले के लिए अप्लीकेशन डाल सकते हैं। लेकिन नए नियमों के बदलाव के साथ उन्हें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये जानकारी अहम मिली होगी। आप आगे इन नियमों का पालन कर सकते हैं और अपना इनरोलमेंट करवा सकते हैं, जहाँ भी आप जिस भी यूनिवर्सिटी में करवाना चाहते हैं PhD। आगे चलते हुए बताते हैं, UGC जो अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली करेगी, उन बहालियों में भी कुछ परिवर्तन किया गया। अब उनके नामन उनका जो भी मापदंड होगा उनके असेसमेंट के लिए, उनके रिक्रूटमेंट के लिए, वो इस प्रकार से होंगे। UGC ने असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट में काफ़ी सारे बदलाव किए हैं। पहले जो कैंडिडेट होते थे उनके मार्क्स का स्तर मैट्रिक स्तर से नापा जाता था, मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन। लेकिन अब यह स्तर मैट्रिक तक से हटा करके ग्रेजुएशन कर दिया गया है, जिनमें उनके मार्क्स को ग्रेजुएशन, PG, उसके बाद PhD और नेट सारी और जितने भी उन्होंने पब्लिकेशंस और सेमिनार्स अटेंड किए उन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करके उन्हें एक मार्क्स निर्धारण किया जाता है, जिसके आधार पर उन्हें इंटरव्यू साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। और इसके बाद यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्तर पे जो बहालियाँ निकलेंगी उसके मार्क्स के क्या गिनतियाँ होंगी, किस तरह से होंगी, उसके भी डिटेल्स को अलग अलग तरीके से मापा गया है। तो जैसा कि आपने देखा, ये UGC के जो नए परिवर्तन रूल आए हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए, तो आप अगर आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो इन नियमों को अच्छे से पढ़ लें, जान लें, तभी एप्लीकेशन डालें। केंद्र सरकार के नियमों को मद्देनजर रखते हुए झारखंड सरकार ने भी अपने अनलॉक वन में बहुत संस्थाओं को बंद करके रखा था। केंद्र सरकार ने अनुमति दी थी लेकिन झारखंड सरकार ने नहीं दी थी। तो झारखंड सरकार ने आज बहुत लंबे समय के बाद अनुमति दे दी है वस्त्र व्यवसायियों को और जूता व्यवसाय वालों को। ये आज से अपने दुकानों को खोल सकते हैं, व्यवसाय चालू कर सकते हैं और पुनः अपने जीवन को ट्रैक पर ला सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि झारखंड सरकार ने अनुमति दे दी, अब खरीदार और बिक्री वाले जो भी लोग हैं उनको अनुमति मिल चुकी है, अब आराम से वो शॉपिंग कर सकते हैं और लाइफ पुनः ट्रैक पर ला सकते हैं। तो वैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लगातार कमेंट करके बताएं कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लग रही है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग टोकन पब्लिक एंड न्यूज़।